हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कैथरीन इसाव के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट फीमेल लेडी हैं, द साइंटिस्ट नॉट, ठीक है। कैथरीन इसाव वाज बोर्न यूक्रेन इन 1898, ठीक है। कैथरीन इसाव का जन्म जो है, याद रखिएगा, यूक्रेन में हुआ था 1898 में। और बेसिकली उन्होंने जो पढ़ाई की थी, याद रखिएगा, वो एग्रीकल्चर, ठीक है। सी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया एंड जर्मनी एंड रिसीव्ड हर डॉक्टरेट इन 1931 इन यूनाइटेड स्टेट। वो बहुत बड़ा रीज़न था कि उन्होंने एग्रीकल्चर से जो पढ़ाई की थी, बेसिकली स्टडी किया, वो रशिया में और जर्मनी में किया था। लेकिन बाद में वो कुछ प्रॉब्लम हुई थी, याद रखिएगा, वहाँ पे कुछ कुछ कॉन्स्पिरेसी उनके फादर के साथ थी, तो उनको जो है यूनाइटेड स्टेट जाना पड़ा हायर एजुकेशन के लिए, आगे की पढ़ाई, मतलब डॉक्टरेट डिग्री लेने के लिए। वो 1931 में यूनाइटेड स्टेट चली गई, ठीक है। शी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशन, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उनका जो शुरुआती पब्लिकेशन था, सी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशन दैट द कर्ली टॉप वायरसेस स्प्रेड थ्रू अ प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। कुछ वायरसेस हो रहे थे प्लांट्स में, याद रखिएगा। जो उनका पहला पब्लिकेशन था, वो इस आइडिया पे था कि जो कर्ली टॉप वायरसेस जो लग रहे थे किसी प्लांट में, वो कैसे इन्फेक्शन पहुंचा रहे थे। तो वो कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम का काम आपको पता ही है कि फ्लोएम जो है फूड ट्रांसपोर्ट करता है पूरी प्लांट बॉडी को, और फ्लोएम का जो मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, जाइलम यूनी डायरेक्शनल है। तो कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, वो कर्ली टॉप वायरसेस एंटर हो रहे थे। ये पहला आइडिया जो है कैथरीन इसाव ने बताया, उसको पब्लिकेशन भी किया पब्लिश, ठीक है। डॉक्टर इसाओ की जो बुक है, एक प्लांट एनाटॉमी, जो कि पब्लिश हुई 1954 में, ठीक है। बेसिकली क्या फील्ड था वो, आर डायनेमिक डेवलपमेंट अप्रोच डिज़ाइन टू इनॉर्मस इम्पैक्ट डिज़ाइन टू इन्हांस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर एंड एन इनॉर्मस इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड, लिटरली ब्रिंगिंग अबाउट ए रिवाइवल ऑफ द डिसिप्लिन। तो बेसिकली जो इनकी ये किताब है प्लांट एनाटॉमी पे, जो है बेसिकली वो डायनेमिक्स को बताती है, और जो डेवलपमेंटल अप्रोच है, और किस तरीके से प्लांट के स्ट्रक्चर को हमें समझें, उसको कैसे इन्हांस करें, तो उसके ऊपर है, ठीक है। और कैसे उसके अंदर एक रिवाइवल लाया जाए, एक डिसिप्लिन पैदा हो, ठीक है। तो उस फील्ड से रिलेटेड ये उनकी किताब है प्लांट एनाटॉमी पे, एक किताब तो ये होगी। दूसरी किताब देखिए उनकी, जो दूसरी बुक है वो द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाई कैथरीन इसाओ वॉज पब्लिश इन 1960। ये दूसरी किताब उनकी जो पब्लिश हुई वो 1960 में, पहली 1954 में हुई थी। इस किताब को बताया गया कि इट वॉज रेफर टू एज वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, इट इज़ इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्यों कहा गया इस किताब को, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया में याद रखिएगा, एक गाइड की तरह बुक होती है, गाइड, ठीक है। या तो कोई किताब होगी, अ बुक और अ सेट ऑफ बुक दैट हैविंग अ लेटर्स, ठीक है, उसमें सारे लेटर्स होते हैं और लेटर के हिसाब से आप कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली गाइड या कोई बुक या सेट ऑफ बुक दैट हैव कम्प्लीट नॉलेज ऑफ एनी टॉपिक और होल ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में वो इंसाइक्लोपीडिक हो गई बुक। उसमें बहुत सारे लेटर्स के हिसाब से अरेंज रहते हैं, ए टू जेड जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट, उन लेटर के हिसाब से होता, तो इसलिए इसको किताब को इंसाइक्लोपीडिया कहा गया। इन 1957 शी वॉज इलेक्टेड टू द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, बिकम द सिक्स्थ वुमेन टू रिसीव दैट ऑनर। याद रखिएगा, 1956 में उनको नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के लिए इलेक्टेड किया गया, वहाँ का जो भी एक ऑनर दिया गया, तो वो सिक्स नंबर की वुमेन थी जो जिस ऑनर से उनको नवाजा गया था। इन एडिशन टू दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, शी रिसीव द नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 1989, ठीक है। वो उनको याद रखिएगा, जो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, जब उस वक्त उन्होंने स्टडी किया था, तो उनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया गया। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, एक सबसे बड़ा तो ऑनर यही है कि उनको वहाँ के प्रेसिडेंट, जो कि हमारे कंट्री के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर वो पोस्ट रखता है, तो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर सिस्टम नहीं है, तो प्रेसिडेंट से इतना बड़ा ऑनर मिलना। और ठीक है, उन्होंने काफ़ी, याद रखिएगा, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट के लिए काफ़ी डोमिनेट किया है। अब क्या कहते हैं, देखिए आगे देखिए, व्हेन कैथरीन इसाव डाइड इन द ईयर ऑफ 1997, ठीक है, 1997 में उनकी डेथ हो जाती है। और वहाँ पर याद रखिए, एक साइंटिस्ट हैं पीटर रेबिन, ठीक है। पीटर रेबिन क्या कहते हैं,
पीटर रेविन डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। पीटर रेविन जो थे वो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के डायरेक्टर थे, लेकिन उसकी शुरुआत जो की थी, याद रखिएगा, बेसिकली वो कैथरीन इसाओ के ही एफर्ट से हुई थी। मिसूरी बोटेनिकल गार्डन, रिमेंबर दैट शी एब्सोल्यूटली डोमिनेट द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 19। तो पीटर रेविन का ये कहना है कि ये जो बेसिकली एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के तो वो डायरेक्टर थे, और मिसूरी बोटेनिकल गार्डन है वो काफ़ी उनकी याद दिलाता है कि उन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक्त, उसको जब भी जब तक उनकी लाइफ रही वो कीमती वक्त उन्होंने इस मिसूरी बोटेनिकल गार्डन को दिया। और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च, याद रखिएगा, कर्ली टॉप वायरसेस पे शुगर बीट को रेजिस्टेंट बताया। याद रखिएगा, शुगर बीट जो होती है, चुकंदर को जिसे कहते हैं, उसको उन्होंने, याद रखिए, कर्ली टॉप जो टॉप वायरसेस होते हैं, बेसिकली कर्ली टॉप वायरसेस होते हैं, उससे उसको रेजिस्टेंट बनाया। ऐसी नई नई स्पेशीज उन्होंने डेवलप की। तो प्लांट एनाटॉमी और बेसिकली प्लांट एनाटॉमी के लिए काफ़ी डोमिनेट रहा उनका, उस पर उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। और सी जीनियस लेडी दैट डोमिनेट इट्स फील्ड टू द एनाटॉमी ऑफ द प्लांट्स, चाहे वो सीड हो या कोई भी हो, ठीक है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो। तो इट इज़ ऑल अबाउट कैथरीन इसाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।